प्रदेश में 2024 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूंदी को सौगात दी। यहां हिंडोली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर जनता को 1512 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इन विकास कार्यों में हिंडोली नेनवा चंबल पेयजल परियोजना, 5 कॉलेज और 4 सड़कें भी शामिल हैं। इसके लिए नया खेल स्टेडियम में एक बड़ा शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम के पहुंचने पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने स्वागत किया। कार्यक्रम में स्पीकर सीपी जोशी सहित कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने जनता का आभार जताया और कहा कि प्रदेश के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भाजपा आज धन की राजनीति कर जनता को गुमराह कर रही है। वित्तीय प्रबंधन का करिश्मा ही है कि बजट में पेश करता हूं, उसमें स्कूलों के ज्ञान बीत जाता है, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से सेकेंडरी, अब तो सेकेंडरी हटाई दी हमने, सीनियर सेकेंडरी सीधी, जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में सबको हमने सीनियर सेकेंडरी बना दी एक साथ में, एक कलम से। कॉलेज हमने 60-70 साल में 250 कॉलेज खुली थी राजस्थान के अंदर, हमने आपके आशीर्वाद से इन 3 साल में 211 कॉलेज खोली है, उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और मैंने कह दिया, मेरी माता बहने बैठी हुई है, आज लड़कियां आगे निकल रही है, जितने लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में उससे ज्यादा आपको जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश के अंदर लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। हमने कह दिया जब 500 लड़के पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी है।